बलरामपुर से, जहां पर नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला सामने आया है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहां पर नर्सिंग स्टाफ और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमराती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर में नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स 21 अगस्त से ही हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले ये सभी जो जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी हड़ताल कर रहे हैं और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये इस वक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से जिले के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा भी गई है। बता दें कि मरीजों को इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आंदोलन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का ये कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार के सामने अपनी मांगों को भी रखा लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी गई और इसी वजह से उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे हैं हमारी वेतन विसंगति दूर हो, हमारा जो 2800 ग्रेड पे हो वो हमारा वेतन विसंगति दूर करे और जो हमारे जो हिंसात्मक हमारे सब व्यवहार होते हैं वो ना हो और जो अतिरिक्त कार्य और जो अवकाश हमारे होते हैं जो पब्लिक हॉलीडे होते हैं उसका हमको भुगतान दिया जाए और जो हम कोरोना भत्ता हमारा जो अभी तक नहीं मिला है जो हम कोरोना काल में हम ड्यूटी किए हैं उसका हमारा कोरोना भत्ता दिया जाए और जो 2018 में जो पिंगुआ कमेटी जो गठित हुई थी उस समय की जो हमारी मांगे पारित हुई है वो खुलासा किया जाए उसका। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए सर, वेतन विसंगति 5 सूत्रीय मांग है, वेतन विसंगति है नर्सिंग स्टाफ और एनएम एमपीडब्ल्यू के संवर्ग में। हमारे डॉक्टर साहब लोगों के ऊपर आए दिन हॉस्पिटल्स में हिंसात्मक घटना होती रहती है, उसके लिए तत्काल FIR करके 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तारी और उसके ऊपर कार्रवाई की मांग है। अतिरिक्त कार्य करते हैं, शनिवार रविवार को अवकाश नहीं होता है, उसके लिए अतिरिक्त मांग है।